यूपी के मेरठ में धर्मांतरण के रैकेट पर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां गरीब हिंदुओं को प्रेयर में आने के बहाने बहला फुसलाकर ईसाई धर्म में शामिल कराने का खेल चल रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने छापेमारी की और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मेरठ में ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर भोले भाले लोगों को हिंदुओं को प्रार्थना सभा में बुलाकर उनको बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा था, ईसाई धर्म में शामिल किया जा रहा था, लेकिन अब इसका भंडाफोड़ हो चुका है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद यहां पर पुलिस ने एक्शन लिया, छापेमारी की और कुछ लोगों को यहां हिरासत में भी लिया गया। अब आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि यहां पर कितने दिनों से ये सब खेल चल रहा था। मेरठ से ये बड़ा मामला सामने आया है। हमारे साथ पारस गोयल इस वक्त जुड़ चुके हैं। पारस, कैसे मिले पुलिस को जानकारी और कितने लोगों का धर्मांतरण करवाया जा चुका था? देखिए बिल्कुल, मेरठ में एक बार फिर धर्म परिवर्तन के बड़ा रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जहां पिछले 1.5 साल से प्रवचन के बहाने लोगों को बुलाया जाता था और उन्हें हिंदू से ईसाई बनाने का काम देखा वो वहां किया जा रहा था। कंकड़खेड़ के खडौली गांव का ये पूरा मामला था, जहां एक किराए के मकान में जो रवि पास्टर नाम के शख्स थे वो संडे प्रेयर के बहाने कुछ लोगों को बहला फुसला कर बुलाते थे, उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देते थे और उसके बाद उन्हें लालच देकर उन्हें ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराते थे। तरह तरह की जो चीज़ें थी वो सामने, जिसके बाद जो आसपास के स्थानीय लोग थे उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत की तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो थे वो वहां पहुंच गए, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को हुई तो मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है रवि पास्कर वो अभी फरार हो गया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ हिंदू कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे, दोबारा से धर्म परिवर्तन का मामला आ गया है? भाई साहब, ये तो इतना बड़ा खाला जहर हो चुका है पैदा, अगर इसको हमने नहीं जागा तो इसी तरीके से होता रहेगा। हिंदू समाज को पकड़ने पर जो कन्वर्ट हो रहे थे वो हिंदू लोगों को पकड़ा गया है, असली मुस्लिम जो पास्टर है उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता, क्यों छोड़ दिया जाता? आज से पहले भी धर्म परिवर्तन हुए हैं, उसमें आज तक कोई भी पास्टर पकड़ा नहीं गया जिसको सजा हुई हो। हमारे मुख्यमंत्री जी के सीधे आदेश है कि रासुका लगाई जाए, जेल डाला जाए, सजा सुनाई जाए, मकान तोड़े जाए इनके, तभी ये जाके रुक सकता, अदरवाइज तो ये बेगुनाह लोगों को पकड़ती रहेगी पुलिस प्रशासन और जेल डालती रहेगी। तो इसको बंद होना चाहिए, उसे बंद करने का तरीका यही है कि जो इसको पैदा कर रहे हैं उन्हीं को जेल डाला जाए। आप बताएं, रवि पास्टर तो अभी फरार है, 5 लोगों को पकड़ लिया है पुलिस ने, पुलिस की नाक के नीचे, 1.5 साल के नीचे। पारस, इस मामले में कोई गिरफ्तार हुआ है या सिर्फ हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है? देखिए बिल्कुल, 5 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। धर्म परिवर्तन की धाराओं के तहत के मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि जो इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य आरोपी था रवि पास्टर वो अभी मौका पाकर फरार हो गया है, पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई है। हालांकि बड़ी बात यही है, इससे लगभग 1 साल पूर्व भी मंगतपुरम में 400 लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया था, जिसमें जो पास्टर थे महेश पास्टर और मुकेश पास्टर वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ऐसे में अब एक पास्टर और जो है वो अब फरार हो गया। हालांकि पुलिस जो है वो ये वादा कर रही है, दावा कर रही है कि निश्चित तौर पर जल्द ही रवि पास्टर को जो है गिरफ्तार कर। लोग तो कह रहे हैं कि 1 से 1.5 साल से चल रहा था खेल धर्मांतरण को लेकर, तो यूपी में कड़ा कानून है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर 1.5 साल से ही पूरा कार्यक्रम चल रहा था परिवर्तन धर्म परिवर्तन। किस तरीके से देखते हैं, स्थानीय लोगों ने शिकायत की तब जाके पुलिस जागी है? पुलिस इसमें पुलिस का थोड़ा रवैया ढीला चल रहा है, क्योंकि अब भी एक तो जो ईसाई मिशनरी के लोग हैं ये कभी भी हाथ नहीं आ रहे, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई जो चाहे इनको पकड़ के जेल में डाला जाए, इन पर रासुका लगाई जाए और इस तरह के जो लोग और कार्य कर रहे हैं उनको डर बैठेगा। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। हमारे पर Zee News।